17 अगस्त आज बाबा बहुत ही मेहरबान होकर रहमदिल बनकर हम सभी को कह रहे हैं, बच्चे इस माया की पीड़ा से बचना है तो मेरी शरण में आ जाओ, सर्वशक्तिवान की शरण में आ जाओ। कितना प्यार है, क्योंकि सर्वशक्तिवान के पास जब हम रहेंगे तो माया आ ही नहीं सकती। उसके वाइब्रेशन से हम माया मुक्त हो जाएंगे और हम सब ब्रह्मावत्स अब सर्वशक्तिवान की शरण में आ गए हैं। माया की बहुत सारी पीड़ा समाप्त हो गई है और जो रही सही है उसे योग बल से हम समाप्त करते जाते हैं। तो हम पवित्र बनकर पूजनीय मंदिर लायक देवी देवता बनने वाले हैं, इसलिए पवित्रता की हमें बहुत अच्छी तरह प्रतिज्ञा कर लेनी है। अब इसमें केवल ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा नहीं, क्रोध मुक्त होने की प्रतिज्ञा भी, अपने मैंपन को छोड़ने की प्रतिज्ञा भी। ध्यान दें, कईयों ने पवित्र बनने की प्रतिज्ञा तो कर ली लेकिन क्रोध से मुक्त होने की नहीं की। एक दृढ़ संकल्प कर लें, पावरफुल संकल्प कर लें, कोई आपसे बुरा बोल रहा है तो भी क्रोध ना आए, अपने मन पर कंट्रोल रहे, शीतलता रहे, तुरंत हम रिएक्ट ना करें, ऐसा हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है, अभ्यास करना है, तो इस माया की पीड़ा से हम बचे रहेंगे। क्योंकि यदि हमें क्रोध आता है, सबको अनुभव है, क्रोध आने पर हमारी मानसिक स्थिति कैसी होती है, इसको हम पीड़ा कहेंगे, अशांति हो जाती है, बोलचाल में जो कड़वाहट हुई वो याद रहने लगती है, इसने ये कहा, इसने ये कहा, और उसकी छाप हमारे अंतर मन पर गहरी पड़ जाती है। एक अशांति के बीज हम बो देते हैं अपने जीवन में। इसलिए माया के सभी विकारों की पीड़ा से स्वयं को बचाना है, चाहे वो ईर्ष्या द्वेष हो, घृणा और नफरत हो। नफरत भी ऐसी बुरी चीज़ है जिससे हमारी खुशी नष्ट हो जाती है। तो हम बहुत ध्यान देंगे इन चीज़ों पर। देखिए, बाबा रोज मुरलियों में हमें पूरा स्वदर्शन चक्र घूमवा देते हैं ना। ये भारत कितना महान था, संपूर्ण निर्विकारी था, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज था भारत। इसको योगियों की भूमि भी कह सकते हैं। श्री कृष्ण जो योगेश्वर है उसका यहाँ साम्राज्य था, उसकी यहाँ उपस्थिति थी। तो इसको हम याद किया करें, हमारा देश कितना महान। और देश कोई ईंट पत्थरों से, भूमि से महान नहीं बनता, यहाँ के रहने वाले देवी देवता थे, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण पावन थे, सर्वोच्च संपन्न थे, सब कुछ परिपूर्ण था, परफेक्ट था। तो बाबा रोज रोज हमें ये याद दिलाते हैं। इसका अर्थ है हम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएं। पर्पज है कि हमारा व्यर्थ चिंतन समाप्त हो जाए, हम उन श्रेष्ठ स्मृतियों में रहने लगे जो बाबा हमें रोज दिलाते हैं, और इससे हम स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, स्थिति हमारी तेजी से आगे बढ़ेगी। हमें बाबा ने बहुत श्रेष्ठ जीवन प्रदान किया है। अपने भाग्य को देखें, ईश्वरीय परिवार में आ गए, भगवान जिसे ढूंढते थे वो पिता हो गया, ब्रह्मा जो भाग्य विधाता है वो माँ हो गई। रोज दोनों ने प्यार से, पवित्रता से हमारी पालना की। रोज मुरलियाँ सुनाकर हमें खुशियों के झूले में झुलाया, हमारी सभी समस्याओं का निदान कर दिया। जैसे माँ अपने बच्चों को कुछ ताकतवर चीज़ खिला पिला देती है, बाबा ने शक्तियों की किरणें हमें देकर हमें बहुत पावरफुल बना दिया। हम परमात्मा पालना में पल रहे हैं, बहुत ही सुंदर बात है। संसार में किसी को अच्छे घर में अच्छी पालना मिल जाए,
कितना भाग्यवान कहलाता है वो मनुष्य। पालना एक तो खिलाने पिलाने की स्थूल होती है, दूसरा बहुत प्यार मिला हो, अच्छी चीजें सीखने को मिली हो, बचपन से एक श्रेष्ठ जीवन का निर्माण किया गया हो, विचारों की महानता बना दी गई हो, ये श्रेष्ठ पालना है। भगवान ने हम सब अपनी संतानों के लिए यही तो किया, तो प्रभु पालना में पल रहे हैं, प्रभु परिवार के सदस्य बन गए, श्रेष्ठ जीवन मिला, तो हमें सबको ये श्रेष्ठ जीवन जीना सिखाना है। हम हीरो एक्टर हैं ऐसा सोच कर चलेंगे, हम एक ऊंची स्टेज पर पार्ट बजा रहे हैं जिन्हें सारा संसार देखता है, फॉलो करता है, सीखता है, तो हम हीरो एक्टर्स हैं। हमें हीरो पार्ट ही बजाना है, हमारी थोड़ी सी भी गलती को सारा संसार फॉलो करेगा, हमारी किसी निगेटिविटी का प्रभाव सारे संसार पर आ जाएगा, हमें ये ध्यान रखते हुए श्रेष्ठ पार्ट बजाना है। और लास्ट बात, बिंदु के महत्व को हमें समझना है। देखिए बिंदु की डेफिनेशन भी है, जिसकी लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई मोटाई कुछ ना हो, हम लगाएंगे निशान तो चित्र बन जाएगा, उसकी मोटाई भी होगी, लेकिन वास्तव में बिंदु आत्मा अति सूक्ष्म, जिसको देखा नहीं जा सकता, और जो जितना सूक्ष्म है वो उतना ही शक्तिशाली है। तो हम बिंदु स्वरूप में स्थित होकर जो परम बिंदु है, परम पिता, जो निराकार है, जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता, उससे योग युक्त होंगे, ये योगी जीवन है। तो आज सारा दिन हम इसका अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा बिंदु, उठकर चलेंगे बिंदु रूप अपने परम पिता के पास, कुछ देर वहाँ बैठेंगे, उनको टच करेंगे, उनके वाइब्रेशंस लेंगे और फिर वापस आ जाएंगे इस देह में। हर घंटे में 2-3 बार ये ड्रिल करने से चित्त शांत हो जाएगा, कर्म करने की जो क्षमता है वो बहुत बढ़ जाएगी और हमारे चारों ओर सुंदर वाइब्रेशंस फैलेंगे। ओम शांति।